नमस्कार मित्रों, 18 मार्च नहाने के पानी में डाल दे यह एक छोटी सी चीज, जन्मों की गरीबी, जन्मों की दरिद्रता, जन्मों की परेशानी समाप्त हो जाएंगे। होलिका दहन के दिन के बाद जो होली आता है इसे काफी शुभ माना जाता है। होली की रात को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो मैं आप लोगों को 18 मार्च यानी कि होली के दिन किए जाने वाले साधारण उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से आपकी गरीबी मिटेंगी, आपकी निर्धनता समाप्त होंगी, जीवन में चल रही आपके प्रत्येक प्रकार के बाधा दूर हो जाएंगे। आप जहां भी जा रहे हैं अगर आपको असफलता हासिल हो रही है तो असफलता हासिल होना बंद हो जाएंगे, यानी कि उपाय एक हैं और फायदे अनेक हैं। तो 18 मार्च एक दिन यह प्रयोग करना है। प्रयोग जानने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलते हैं। तो होली के दिन आपको करना क्या है, आपको नहाने के पानी में, मैं आप लोगों को पांच चीज के बारे में बताऊंगा जिससे एक साथ नहाने के पानी में डाल करके स्नान करना है। स्नान करते ही अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े स्वस्थ हो जाएंगे, स्नान करते ही आपकी गरीबी मिटना शुरू हो जाएंगे, स्नान करते ही कर्जे के भार उतर जाएंगे। तो कौन से ऐसे पांच चीज है जिससे नहाने के पानी में आपको मिला करके स्नान करना है होली का होली के दिन। तो मित्रों आपको लेना है चुटकी भर हल्दी, क्योंकि जो हल्दी है ना इसे बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु जी इसका कारक है। भगवान विष्णु जी हल्दी पानी डालकर के स्नान करने से प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ सूर्य देव की कृपा प्राप्त होते हैं। पहला आपको लेना है हल्दी। दूसरा चीज आपको नहाने के पानी में डालना है मित्रों, वह है कुमकुम। जो कुमकुम है ये लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, देवी शक्ति का कारक माना जाता है। तीसरा चीज आपको लेना है घी। घी में देवी देवता एवं देवी देवताओं के गण बसते हैं, तो घी डालकर के स्नान करते हैं तो ये देव कृपा प्राप्त होने कारण हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। चौथा चीज आपको लेना है वह है मित्रों शक्कर, क्योंकि जो होली का दिन शुक्रवार पड़ रहे हैं तो जो शुक्र ग्रह है इसे शुक्र ग्रह इसे धन वैभव तथा सुख संपत्ति ईश्वर देने का ग्रह माना जाता है। और शुक्रवार का दिन भी होली जो है पड़ रहे हैं तो होली के दिन थोड़ी सी नहाने के पानी में चीनी जरूर डालना। इसके बाद है मित्रों होली की आपको राख लेना है। जो राख है ये भस्म चीज है, ये समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो आपको एक साथ में क्या लेना है, हल्दी, कुमकुम, घी, शक्कर और होली की राख, ये सभी को एक साथ आपको आपस में मिला लेना है। किसमें मिलाना है, नहाने के पानी में। फिर आपको स्नान करना है। अगर आप जीवन में कहीं भी जा रहे हैं आपको असफलता हासिल हो रही है, बिल्कुल होली के बाद देखना आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे, कदम कदम में आपको पैसा मिलेंगे, कदम कदम में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएंगी। मतलब एक साथ बताना चाहूंगा माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, विष्णु जी प्रसन्न हो जाएंगे, जहां भी जाएंगे आपको सफलता हासिल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे 18 मार्च के दिन किए जाने वाले साधारण उपाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।